आजम खान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, आइए वो आपको। आजम खान हैज बीन सिलेक्टेड एट द बैकअप विकेट कीपर। मोहम्मद रिजवान हमारे नंबर वन कीपर हैं, ही विल रिमेन द नंबर वन विकेट कीपर। आजम खान रिप्लेस करते हैं, किसी वजह से आते हैं टीम के अंदर, तो ही हैज़ द एबिलिटी कि जो हमें मिडिल ऑर्डर में एक मसला चल रहा था, पावर हिटिंग का भी चल रहा था, तो उस फैक्टर को देखते हुए उनको एज हासिल है। जी, मिडिल ऑर्डर में पावर हिटिंग का भी मसला चल रहा था, फर्स्ट चॉइस फॉर बैकअप विकेट कीपर, तो फिर बाकी का क्या हुआ? और सरफराज एक्सपीरियंस थे, अगर इस जगह पे जाना था तनवीर तो सरफराज के साथ जा सकते थे। फिर रोहिल नज़ीर का ऑप्शन भी आपके पास था, ये जस्टिफिकेशन ठीक है आजम के हवाले से? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि चले जी, अगर आप कहते हैं कि हमें पावर हिटर की जरूरत है, तो चले हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि शायद मेरे हिसाब से तो शायद इनकी अभी जगह नहीं बननी चाहिए। इनको एक दो साल और डोमेस्टिक खिलाते, फिर और अच्छा होता तो टीम में लेके आ जाते, लेकिन चले अगर टीम में लेके भी आप आ गए तो कीपिंग एज अ कीपर नहीं बनते हो। एज अ कीपर या सरफराज की जगह बनती थी या रोहिल नज़ीर की जगह बनती थी, क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई या कोई लीग क्रिकेट होगी, कहीं भी होगी, पीएसएल हो गया, इन्होंने कहीं भी कीपिंग नहीं की हुई। तो अगर आप ये कह रहे हैं नहीं, लीग में तो कीपिंग की है पाकिस्तान के लिए, हाँ लीग में कीपिंग की है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कीपिंग नहीं की। मुझे जो वो जो इनका इनकी बात थी ना, स्पिन को बेस्ट खेलते हैं, ये कहाँ देख रहे हैं? काफी हिलेरियस कमेंट था ये कि वो स्पिन पे बहुत अच्छा खेलता है, यंग लड़का है, टैलेंटेड है, उसके टैलेंट में कोई शक नहीं, जिस तरह वो पावर हिटिंग करता है, बेहतरीन पावर हिटर है, लेकिन अभी आप उसको एक आध साल डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाते हैं, आपने जल्दी कर दी, अब आपने सेलेक्ट कर लिया, अल्लाह करे कि वो इन न्यूजीलैंड के मैचों में उसको कुछ थोड़ा सा एतमाद मिले। अगेन वही वाला, ये बड़ा गैम्बल है, इसी तरह आसिफ अली का भी बड़ा गैम्बल है, उसके पिछले 10 मैचों में सिर्फ 2 डबल फिगर स्कोर हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी वो कुछ नहीं कर पा रहा, जहां के बॉलिंग का स्टैंडर्ड इतना हाई क्वालिटी नहीं है जितना के T20 वर्ल्ड कप में होगा, तो बहुत बड़ा गैम्बल है आसिफ अली का। इसी तरह शोएब मकसूद पे एतराज था, मिसबा को भी एतराज था, बाबर को भी एतराज था कि वो नहीं खेल पा रहे हैं और वो फील्डिंग में भी पुअर हैं, जब उनकी तरफ कह जाता है तो वो घबरा जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि जिनके ऊपर गौर करना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद वसीम तो जस्टिफाई कर रहे हैं, कल रात भी उन्होंने जस्टिफाई किया, और वो जहां एवरेज की बात आती है वहां स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, और स्ट्राइक रेट भी वो माशाल्लाह से गलत बताते हैं, बहुत गलत बताते हैं स्ट्राइक रेट। उन्हें पीसीबी की इतनी अच्छी मीडिया टीम है, उन्हें लिख के दिया जाता है, प्रेस रिलीज में लिखे होते हैं स्ट्राइक रेट, वो स्ट्राइक रेट भी गलत बताते हैं। अच्छा, ये जो सिलसिला है ये थोड़ा सा जोक की तरह बन गया है, जिस तरह की बातें चल रही हैं उनकी। 16 तारीख को ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पहले वो आसिफ अली और खुशदिल शाह के हवाले से क्या कहते थे वो दिखाते हैं। खुशदिल शाह, वो भी काफी मौके उनको मिले हैं, लेकिन अपने टैलेंट को उस तरह जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, और जो रोल था उनका टीम में वहां पे उन्होंने स्ट्रगल की है। आसिफ अली को भी ट्राई किया, अपने दानिश को भी ट्राई किया उसमें, और अभी तक लग रहा है कि हमें थोड़ा सा वहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये चेंजेस की गई हैं। तो आई थिंक अगर आसिफ की आप बात करते हैं तो फेयर रन उनको मिला है वहाँ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चांसेस को वेल नहीं कर सके हैं। जी, जो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है मोहम्मद वसीम का, पहले कह रहे थे खुशदिल शाह को बहुत मौके मिले, जस्टिफाई नहीं किया, आसिफ अली को बहुत चांसेस दिए, वो उस तरह से प्रूव नहीं कर पाए, अब उनका क्या कहना है इनके बारे में, आइए आपको वो दिखाते हैं। कि परफॉर्मेंसेस इनकी भी नहीं थी, लेकिन किसी और की भी उस तरह परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई, तो फिर हमने जज किया जी कि अंडर प्रेशर वहाँ पे जाके उन कंडीशंस के अंदर, जिस तरह की बॉलिंग लाइन अब वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, उनके अगेंस्ट कौन से हमारे बेस्ट प्लेयर्स हो सकते हैं, तो जिस पे आसिफ अली और खुशदिल उस रोल के लिए हमने रखे हैं। एक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कम्बिनेशन आपको नज़र आता है, और दूसरा जो हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो आई थिंक स्टिल आसिफ अली का नाम वन ऑफ द टॉप बैटर्स में पाकिस्तान के अंदर आता है, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि वो बड़ा इवेंट है इसके अंदर, वो प्रेशर हैंडलिंग भी उनकी अच्छी होगी और वो परफॉर्म भी करेंगे। कमाल है, रेगुलर इवेंट में अच्छा नहीं खेल रहे, बड़े इवेंट में वो प्रेशर हैंडलिंग अच्छी कर लेंगे। आपका कल का एक जुमला है जो मुझे मैंने आपको कहा भी था, खुद कह दिया, वर्स्ट में से बेस्ट निकाला। उन्होंने कहा कि जो तवक्कात पे पूरे नहीं उतरे, लेकिन जो थोड़ी सी तवक्कात पे पूरे उतरे उनको हमने शामिल कर लिया। कुछ दिन ने एक ही वनडे खेला और उसमें उन्होंने 33 के करीब रन बनाए थे जिम्बाब्वे को, उनको एकदम से ड्रॉप कर दिया। आपने उन्होंने उनको चांस देना था, आप दोबारा चांस देते, अब उन्होंने क्या किया? और ये सवाल हुआ भी था, उससे सवाल हुआ भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका, वो आए बाएं शाएं स्ट्राइक रेट और एवरेज और इन सब चीजों में बात घुमाते रहे लोगों को, वो बता नहीं पाते।
अब अगर इन प्लेयरों में पाकिस्तान ने T20 में पिछले दो साल में मिसबा के टेन्योर में 17 लोगों को चांस दिया जिनमें सबसे बेस्ट इफ्तिखार थे, मिसबा की गुड बुक्स में भी है, मिसबा को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है, फील्डर भी बहुत अच्छा है वो, और मिसबा को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो अगर आप उसको कॉन्फिडेंस के ऊपर उसके देते उसको वो आप इफ्तिखार को भी आपने नहीं लिया, आपने खुशदिल शाह को ले लिया और आपने सुहेब मकसूद को लिया है, ठीक है, लेकिन आप मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं जब आप सिलेक्शन, तो आप 16 तारीख का इंतजार करते हैं। 16 तारीख का इंतजार करते हैं। तनवीर, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है इन बातों को सुन के, क्या कहेंगे ये आसिफ अली खुशदिल शाह वाले मामले पे? देखिए, एक बात तो बड़ी जबरदस्त है, जिस तरह चीफ सिलेक्टर साहब बातें करते हैं ना, यस मैन, इनके हाथ में एक बुक और पेंसिल दे दे, पेन दे दे, बड़ी अच्छी ये बुक लिखेंगे, जिस तरह ये बातें करते हैं, इनकी इनके जो लफ्ज है ना वो बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, घुमाने फिराने ये वो इस तरह करने के। देखिए, बात ये है, जिन प्लेयरों को ये लेके आए उन्हीं प्लेयर्स के बारे में ये खुद पहले क्या बोलते रहे, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, इनको खुद पता नहीं चलता हम करते क्या हैं, इनको बाद में रियलाइज होता है कि यार हम लोग खुद गलत फैसले कर रहे हैं। अब खुशदिल शाह की बात करते हैं, दानिश अजीज की बात करते हैं, इनको क्या 100-100 मैच दे चुके हैं, 50-50 मैच दे चुके हैं क्या जी, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, एक एक दो दो चार चार मैचेस के बाद जब आप लड़का चेंज करोगे तो आपको खुद समझ नहीं आएगी। हम कब से ये कह रहे हैं कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट का जो अच्छा टॉप का परफॉर्मर होता है उसको उसके तरफ भी ध्यान रखो, हम लोग सिर्फ पीएसएल की तरफ सिलेक्शन की तरफ ध्यान रखते हैं और हम लड़का पाकिस्तान टीम में लेके आ जाते हैं, इस तरीके से कभी भी टीमें नहीं बनती जिस तरीके से ये बनाते हैं, ये खुद कंफ्यूज होते हैं। अब रोहेल नजीर का नाम इन्होंने आगे रखा था, इन्होंने ही बाहर कर दिया, तो भाई मतलब आप ही लेके आए, आप ही ने बाहर कर दिया, हम तो आपसे सवाल करेंगे ना कि भाई आप लेके आए, आपने उसको बाहर कर दिया तो क्या उसकी कीपिंग खराब हो गई, उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई? आपने मोहम्मद हारिस को वनडे क्रिकेट में डाला ओडीआई की टीम में, उससे अच्छी परफॉर्मेंस तो रोहेल नजीर की है, तो रोहेल नजीर का तो चांस पहले बनता है, जो कि आप लोग हमें बताते हैं कि जी अच्छा विकेट कीपर है तो उसको पहले मिलना चाहिए था, तो गलतियां हैं। अब मैं ये समझता हूं कि गलतियां क्यों होती हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जियां करवाते हैं, इनको काम नहीं सही तरीके से करने देते, मेरा क्वेश्चन ये, क्या ये रीजन है? अच्छा, एक आखिरी शॉट आपको सुना दे उनका, कि उन्होंने ये कहा है कि टीम में इंपैक्ट प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, जो आपको एक चेंज थोड़ी सी नजर आएगी कि इंपैक्ट प्लेयर आपको इसमें ज्यादा नजर आएंगे, ठीक है, उसमें आपको शायद उनकी एवरेज कम नजर आएगी, लेकिन उनका आप कैरियर स्ट्राइक रेट देखेंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो आपको सारे हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नजर आएंगे, चाहे वो आजम है, चाहे वो आसिफ अली है, चाहे वो खुशदिल है। डाउन द ऑर्डर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शादाब मौजूद है, इवन हसन अली का स्ट्राइक रेट इस टाइम 190 तक पहुंचता है। इंपैक्ट प्लेयर जो पाकिस्तान में सबसे बड़े हैं, शर्जील खान और फखर जमान, आप उनको नहीं लेके जा रहे फखर रिजर्व में है, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया और आप कह रहे हैं इंपैक्ट प्लेयर बहुत ज्यादा है, ये स्ट्राइक रेट की बात जो बार बार कर रहे हैं, विदाउट एवरेज स्ट्राइक रेट क्या मायने रखता है? यानी कि अगर आप अपना मिडिल ऑर्डर देखें, आसिफ, खुशदिल, सोएब मकसूद, अगर ये तीनों को आप लगाएं जिस दिन ये नहीं चले, आप मतलब आप क्या करेंगे? एक बंदे ने 3 मैच खेले और उसने 10 बॉलों में 50 रन बना लिए और उसने तीनों मैचों में वो ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर सका, जाहिर है उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा होगा लेकिन उसका एवरेज कम होगा। स्ट्राइक रेट की अपनी जगह पे एक अहमियत है ऑब्वियसली, लेकिन बार बार आप स्ट्राइक रेट पे तवज्जो दे रहे हैं, बार बार आप स्ट्राइक रेट पे, तो इम्पैक्ट में से IM निकाल दें, पैक्ट एक है, PACT पैक्ट, कोई पैक्ट के तहत सारी टीम सेलेक्ट हो रही है, बन रही है, सही है, ओपननेस नहीं है हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ जो जस्टिफिकेशन है वो बड़ी बड़ी पुअर है कि इस प्लेयर को हमने क्यों सेलेक्ट किया है, ज्यादा बुरा नहीं है, कम बुरा है, इसलिए हमने ले लिया।